नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस सिंधेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले राजस्थान के लोकगीत। अपने टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान के लोक गीत, राजस्थान के लोकगीत। और लोकगीतों में अब आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, एक गीत है पपैया गीत। कौन सा है? पपैया गीत। पहला क्वेश्चन बनता है कि यह कैसा गीत है? यह दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पपैया गीत कैसा है? दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक, दाम्पत्य प्रेम का क्या माना गया है? प्रतीक माना गया है, माना गया है। पपैया जो वर्षा ऋतु में एक पक्षी विशेष है, जो वर्षा ऋतु में क्या है, दिखाई देता है। यह है एक पक्षी विशेष है जो वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, जो वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बगीचे में बुलाती है, परंतु प्रेमी बगीचे में पहुंचे नहीं पाता है, उसको क्या कर देता है? इनकार कर देता है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बगीचे में बुलाती है, परंतु प्रेमी बगीचे में नहीं जाता है, यानी अपनी पत्नी वर्ता धर्म का पालन करता है। कौन? प्रेम। परंतु वह नहीं जाता है। एक तो पपैया गीत से संबंधित ये धारणा जुड़ी हुई है, दूसरी धारणा जुड़ी हुई है कि एक अविवाहित युवती, विवाहित जो युवक होता है और उसे भ्रष्ट करने की कोशिश करती है, परंतु वह युवती अपने कार्य में सफल नहीं हो पाती है। एक अविवाहित युवती विवाहित युवक को भ्रष्ट करने की कोशिश करती है, परंतु वह सफल नहीं होती है, वह अपने कार्य में सफल नहीं होती है, क्योंकि जो युवक था उसने पतिव्रता या पत्नीव्रता धर्म का क्या किया? पालन। युवक ने पतिव्रता धर्म का पालन किया, पतिव्रता धर्म का क्या किया? पालन। अगला लोक गीत आएगा विद्यार्थियों, बधावा। कौन सा आएगा? बधावा गीत। और मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है कौन सा? बधावा।
बधावा गीत, और बधावा गीत कब गाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है कौन सा? बधावा। मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है कौन सा है? बधावा। एक गीत आता है बिछुड़ा, कौन सा गीत आता है? बिछुड़ा गीत है। और ये कहां का फेमस है? ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है कौन सा? बिछुड़ा। एक पत्नी जो अपने पति से कहती है कि मेरे तो बिच्छू ने डंक मार दिया और मैं कुछ ही समय में क्या है मरने वाली हूं, इसलिए आप दूसरा विवाह कर सकते हो, ऐसे करते हुए ये गीत गाया जाता है बिछुड़ा। बिछुड़ो बिछुड़ो गीत, पहले तो आपसे पूछेगा कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से में? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, क्षेत्र में गाया जाता है बिछुड़ा गीत। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती कोटा बूंदी बारा क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है कौन सा? बिछुड़ो। ये भी दाम्पत्य प्रेम का गीत है, दाम्पत्य प्रेम का क्या है विद्यार्थियों? गीत है। बिछुड़ा भी किसका है? दाम्पत्य प्रेम का गीत है कौन सा? बिछुड़ा। मैं तो मारी जासू राज खागो बेरी बिछुड़ो, ऐसे गीत गाया जाता है। मैं तो मारी जासो राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, मैं तो मारी जासू राज खागो बेरी बिछुड़ो। ये इस प्रकार से ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। एक महिला को एक स्त्री को बिच्छो ने डंक मार दिया, वह मरने की स्थिति में थी, उसने अपने पति को दूसरी शादी करने का आह्वान किया, परंतु पति ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरी शादी करने का आह्वान किया परंतु पति ने नहीं की, उसने पत्नी व्रता धर्म का पालन किया, उसने पति व्रता ऐसे उसने पति व्रता धर्म का पालन किया। पतिव्रता धर्म का क्या किया था? पालन किया था।
ये कौन सा गीत है बिच्छू? अब आता है ढोला मारू, कौन सा आएगा? ढोला मारू डोला मारू गीत। पहले बात तो डोला मारू गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है डोला मारू। ये एक कैसा है? प्रेम गीत है। कैसा गीत है? यह एक प्रेम गीत है। डोला मारू कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। ये एक क्या है? प्रेम गीत है। इसमें अगर अपन बात करना चाहे तो एक था ढोला और एक ती मारू। ढोला का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था साले कुमार और मारू का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था मरवणी। मारू का क्या नाम था? वास्तविक नाम था मरवणी। इन दोनों का क्या हुआ था? विवाह है। दोनों का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। विवाह के समय डोला तो था 3 वर्ष का और मारू थी 1.5 वर्ष की। इनके विवाह की आयु पूछी जाती है। अगला इनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनना है? डोला के पिता का नाम, डोला कहां का राजकुमार था? राजकुमार था मालवा का। कहां का था? मालवा का। डोला के पिता का नाम, पिता का नाम था राजा नल। राजा नल डोला के पिता का नाम था। इधर ये जो मारू थी ये कहां की थी? राजकुमारी। ये राजकुमारी थी पुंगलगढ़ की। कहां की थी? पुंगले बीकानेर की थी। कहां की थी? पुंगले बीकानेर की। क्या थी? राजकुमारी थी। कौन है? मारू। अब बात करते हैं मारू के पिता का नाम। पिता का नाम था पिंगल। पिता का नाम क्या था? पिंगल था। अब स्थितियां ये बन पाती है कि इनके छोटी आयु में, जैसे कई बार, एक बार क्या हुआ, मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा, तो ये मारू है इसका पिता कहाँ चला जाता है? मालवा। अपने संपूर्ण परिवार को लेकर, पशुओं को लेकर कहाँ चला जाता है? मालवा। और वहां मुलाकात होती है किनसे? नल से। और नल के पुत्र का नाम क्या था? ढोला या साले कुमार। ये लड़की 1.5 वर्ष की थी, ये 3 वर्ष का था। थाली में बैठा के क्या दे दिए? फेरे दे दिए। अब इनका बाल विवाह हो गया। अब ये बड़े हुए, फिर मारवाड़ में कई सालों तक क्या नहीं पड़ा? अकाल नहीं पड़ा। तो इसका जो ये राजा था कौन? पिंगल। पिंगल का मालवा जाना हुआ नहीं, शादी पहले हो चुकी थी। कुछ समय बाद नल की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो राज्य कौन संभालता है? डोलाई संभालता है या साले कुमारी संभालता है राज्य को? इसको पता नहीं है, छोटा बच्चा था, कि अपनी शादी भी हो रखी है क्या। तो इसको एक औरत के साथ इसने क्या कर ली? शादी। उस औरत को पता था कि इसकी पहले से शादी हो रखी है, परंतु इस डोला को पता नहीं था कि ये 3 वर्ष का था। 3 वर्ष के बच्चों को इतना याद रहता है। तो उसका, इसका जो दूसरा विवाह हुआ था उस पत्नी का नाम था मलवणी। क्या नाम था? मलवणी के साथ शादी हुई। पहले वाली पत्नी का नाम क्या था? मारू या मरवणी। अब जैसे ही ये लड़की की आयु बढ़ी,
तो इसका क्या करना था, गोना। बार बार पिंगल ने पत्र भेजे किसके पास, साल कुमार या डोला के पास, परंतु पत्र किनके पास पहुंच जाते थे, मलवणी के पास। और इस मलवणी ने क्या किया, हर पत्र को लिया फाड़ा और जो पत्र लेकर जाता था उस व्यक्ति को भी मौत के घाटे उतार देती थी, वापिस जवाब ही नहीं आता था। बार बार पत्र भेजा मुकलावा के लिए परंतु कोई जवाब नहीं आया। फिर एक सिरोही का क्या था, ढाडी था, क्या था, ढाडी या ढोली जाति का व्यक्ति था, उसको भेजा। और वो व्यापारी के वेश में जाता है, कहां जाता है, मालवा जाता है। और वहां व्यापारी के वेश में जैसे मलवणी को पता चला कि ये कोई व्यक्ति आया है, तो उसने क्या है कि कुछ नकली आभूषण वगैरह बेचने का ढोंग सा बना रखा था कि मैं तो ये गहने वगैरह बेचता हूं इधर उधर घूम कर। दो तीन दिन तक ये स्थितियां रही। जैसे ही डोला महल के बाहर मेड़ी के बाहर आया और उसने मलवणी ने, जो मरवणी ने कहा था ना कि मैं जो दोहे लिख के दूं वही सुनाने हैं किसको, डोला को, वो समझ जाएगा कि मेरी क्या हो चुकी है, पहले ही शादी हो चुकी है। जैसे ही उस डोली जाति के व्यक्ति ने डोला के सामने वो सुनाने प्रारंभ किए दोहे, और वो समझ गया कि मेरी पहली जो शादी हुई थी वो मरवणी के साथ हुई थी और वो पुंगलगढ़ बीकानेर की। ये बात सुनकर फिर डोला को लगा कि भाई अपनी पहले शादी हो रखी है और इसने छुपा ली थी बात, भाई पहले कोई शादी नहीं हो रखी। डोला ऊंट में सवार होके कहाँ जाता है, पुंगलगढ़ जाता है, और मारू को लेकर कहाँ आता है, मालवा आता है। ऐसी कुछ जानकारी है इसमें, ठीक है। ये डोला मारू की प्रेम कथा है। पच के आराम से जीवन बसर करने लगे और क्या। चलो आगे ध्यान देना। अगला गीत आता है जीरा गीत। कौन सा आता है, जीरा गीत। जीरा गीत, जीरा गीत की अगर बात करें तो ये जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध क्या है, गीत है। जीरा जालोर क्षेत्र का, जालोर क्षेत्र में गाया जाता है। जीरा गीत कहाँ गाया जाता है, जालोर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। कौन सा, जीरो। और इसमें एक नायिका अपने पति को जीरा न बोलने की क्या देती है, सलाह देती है। एक नायिका अपने पति को जीरा फसल न बोने के सलाह देती है, क्या देती है, जीरा फसल न बोने की क्या देती है, सलाह देती है, सलाह देती है। और सलाह देते हुए गीत गाया जाता है, क्या गीत गाया जाता है, पाणत करते पगलिया घसगा घसगा मारा कड़ला, और पीलो ओडे जीरा में चाली जीरो पड़ गया काला, मत बो मारा परन्या जीरो, ये जीरो जीवरो बेरी है। ऐसे ये गीत गाया जाता है। कैसे गाया जाता है, पाणत करते पगलिया घस गया, घस गयो मारो कड़ला, पीला ओडे जीरा में चाली जीरो पड़ गया काला, पीला ओडे जीरा में चाली जीरो पड़ गया काला, मते बो मारा
वर्णीय जीरो सा ओ जीरो जीव रो बेरी रे ऐसे गीते गाया जाता है। यानी ऐसी मान्यता है कि यदि आप जीरा की फसल बोगे तो मैं कभी भी नए वस्त्र नहीं पहन पाऊंगी, और यदि सोने चांदी के मैंने जो आभूषण पहन रखे हैं ये पहन करे जीरा फसल में जाऊंगी तो ऐसी मान्यता थी कि सोने व चांदी के जो आभूषण होते थे उन पे कालीन सी आ जाती थी, वो काले पड़ जाते थे जीरा की फसल में जाने से। और यदि मैं नया लुगड़ा या पीला ओढ़ कर जीरा में चली जाऊंगी तो जीरा भी क्या पड़ जाएगा, काला, यानी पूरी फसल ही क्या हो जाएगी, चौपट। इसलिए मैं तो कभी नई वस्त्र पहन ही नहीं सकती। यह आह्वान करते हुए ये गीत गाती है कौन है, नायिका, कि जीरा फसल न बोने की क्या देती है, सलाह देती है। लिख लिया इतना, चलो आगे पढ़ो। अगला गीत आता है इंडोनी। इंडोनी गीत, और इंडोनी गीत का अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो कौन सा रहेगा, मारवाड़। इंडोनी गीत का क्षेत्र रहेगा विद्यार्थियों कौन सा, मारवाड़ क्षेत्र रहेगा किसका, इंडोनी का। इंडोनी गीत गाया जाता है गम गई इंडोनी जी के सवा लाकरी लूम, इंडोनी रे कारणे सासु दियो सुनाए, ऐसे गीत गाया जाता है। कैसे गाया जाता है, गमे गई इंडोनी जिके सवा लाख री लोम, गमे गई इंडोनी, इंडोनी रे कारणे सासु दियो सुनाए, इंडोनी रे कारणे सासु दियो सुनाए। यह ऐसे गीत गाया जाता है इंडोनी। इंडोनी जानते हो, पानी वगैरह लाने जाते अपन घर से, महिलाएं पहले तो एक रखती थी ऊपर और उसके पीछे क्या लगी रहती थी, लोम। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा इंडोनी गीत। एक आता है पणियारी गीत। पणियारी गीत कौन सा आएगा, पणियारी गीत। और पणियारी गीत की बात करें तो ये गाया जाता है पनघट पर पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत है। पनघट पर पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत है, और इसमें पत्नीवर्ता धर्म का या पतिवर्ता धर्म का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। इसमें पतिवर्ता धर्म का पालन किया जाता है। पतिवर्ता धर्म का क्या किया जाता है, इसमें पालन किया जाता है। अगला गीत आएगा मुम्मले गीत। कौन सा आएगा, मुम्मले गीत। मुम्मले गीत, अगर मुम्मल गीत की बात करें तो विद्यार्थियों ये मुम्मल गीत का अगर आपसे पर्टिकुलर क्षेत्र पूछे तो पर्टिकुलर क्षेत्र है कौन सा, जैसलमेर। ये एक क्या है, श्रृंगार गीत है। कौन सा है, श्रृंगार गीत है। और मुम्मल गीत का प्रमुख कलाकार थे दापू खां।
जो एक क्याते कामाई चा वादक भी तेकोन डापू कम। और इसमें अगर अपन बात करें तो मुम्मल के श्रृंगार का वर्णन मिलता है किसमें, मुम्मल गीत में, किसके, मुम्मल के श्रृंगार के। एक ग्रंथ है मुम्मल ग्रंथ, मुम्मल ग्रंथ है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का गीत है कौन सा, मुम्मल। इसके अलावा महेंद्र मुम्मल की प्रेम कहानी ये लिखी है किसने, डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी ने। किसने लिखी है, डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी ने। महेंद्र मुम्मल की प्रेम कहानी नामक रचना की है किसने, डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी। मुम्मल गीत ये क्षेत्र अगर आपसे पूछे क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन सा रहेगा, जैसलमेर। और जैसलमेर नहीं आए तो मारवाड़, जैसलमेर नहीं आए तो मारवाड़। क्षेत्र जैसलमेर मारवाड़ ये कैसा है, यह एक श्रृंगार गीत है। इसमें मुम्मल के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, मुम्मल के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। इसमें मुम्मल के श्रृंगार का क्या मिलता है विद्यार्थियों, वर्णन मिलता है किसमें, मुम्मल गीत। इस गीत का कलाकार वो कौन है, दापू खां मांगणियार, दापू खां मांगणियार इस गीत का क्या है, कलाकार है। और मुम्मल ग्रंथ का लेखक है, मुम्मल ग्रंथ का लेखक है लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। महेंद्र मुम्मल की प्रेम खानी ये लिखी थी किसने, डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी। महेंद्र मुम्मल के प्रेम कहानी किसने लिखी थी, डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी ने लिखे थे। मुम्मल विद्यार्थियों लोद्रवा की क्या थी, राजकुमारी थी। मुम्मल कहां की थी, लोद्रवा। और लोद्रवा कहां पड़ता है, जैसलमेर, जैसलमेर। और लोद्रवा की क्या थी, राजकुमारी थी, जिसको प्रेम किससे हुआ था, लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी, मुम्मल, जिसको प्रेम हुआ था किससे, अमरकोट के राजकुमार, अमरकोट के राजकुमार महेंद्र सिंह। और महेंद्र मुम्मल की प्रेम कहानी इस रेगिस्तान के दोरों में बारी बारी से लोग पढ़ते हैं। और आज की इस क्लास में हम इतना ही।